हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव्स। चलिए आज हम ब्लाउज की नाप को कैसे नापेंगे और उसके बाद उसको कपड़े में कटिंग करेंगे वो सीखते हैं। तो हम पहले ब्लाउज नाप लिए हैं, अब हम लोग अस्तर में बिठा के उसी के मेजरमेंट से ब्लाउज को काट के निकाल लेंगे उसके पीस को। अब हम बराबर फोल्ड कर लिए, अब हम लंबाई लेंगे। 14 इंच लंबाई है और शोल्डर ओरी बना के हम और चेस्ट का आधा कर देंगे। हाफ में टिक लगा के हम मेजरमेंट में काट देंगे। हम बैक की कटिंग करने के बाद उसी के नाप से हम लोग फ्रंट का भी कटिंग कर लेंगे। तो हम लोग फ्रंट का कटिंग करने के लिए नीचे से मात्र 1/2 इंच बढ़ा देंगे और बैक का कपड़े को ऊपर रख के उसी के नाप से हम लोग बैठा लेंगे और काट के निकाल देंगे। ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज है, तो हम प्रिंसेस का कट देंगे। ठीक है, हमारा बैक और फ्रंट का कटिंग अस्तर में हो गया है। अब हम बचे हुए कपड़े से हैंड निकालेंगे। तो हमारा हैंड हुआ मतलब हाफ क्वार्टर होगा, तो हाफ क्वार्टर के हिसाब से हम लोग मेजरमेंट ले लेंगे और हम लोग इसमें भी डिज़ाइन देने वाले हैं। तो हमारे बैक में भी डिज़ाइन रहेगा और हैंड में भी डिज़ाइन रहेगा और हमारा फ्रंट प्रिंसेस कलर रहेगा। तो आप देख ये वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ आएगा फ्रेंड, नहीं तो बीच से स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। अब हम हैंड की कटिंग कर लेंगे और स्टिचिंग करते टाइम ही इसमें डिज़ाइन की कटिंग देंगे। अभी सिर्फ कट करके हम निकाल लेंगे। हम अस्तर को अब कपड़े के ऊपर बिठा के कट करके निकाल लेंगे। हम लोग बचे हुए कपड़े से बैक में जो डोरी डालेंगे, डोरी ब्लाउज बनेगा डिज़ाइन पीछे, उसका डोरी निकाल लेंगे। अब हम स्टिचिंग चालू करते हैं। तो हम लोग पहले फर्स्ट फ्रंट रेडी करेंगे। तो फ्रंट के लिए आगे गला बना लेंगे 5.5 या 6 पे, जितना आपको रखना है, और जो भी शेप जाए शेप देकर डिज़ाइन बना के गला को पलट देंगे। फ्रेंड, हम लोग वो नीचे से 1/2 इंच सिलाई और गले में सिलाई करके हम लोग इसे पलट देंगे, पलट के चाप सिलाई मार देंगे। अब हम बैक का भी तैयार कर लेंगे। तो बैक का उसी तरह दोनों में कपड़ा सिल देंगे और सिल के से पलट देंगे। पलट देने से फ्रंट क्या होता है कि चाप सिले मार देने से फिनिशिंग दिखता है। उसके बाद हम आगे बताएंगे कैसे। अब चलिए फ्रेंड, हम लोग हाथ का भी डिज़ाइन कटिंग कर लेंगे। तो क्या करेंगे, कपड़े और है अस्तर को दोनों को बराबर में बैठा के और जो शेप देना है हमें हैंड की कटिंग के लिए वो शेप दे के इसे कट करके निकाल देंगे। फिर फ्रेंड कट करके निकाल के इसे बराबर में रख कर चाप सिलाई मार देंगे और पलट देंगे। ये अच्छा दिखने के लिए हम इसके ऊपर लेस लगा देंगे। लेस लगाने से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है।
अब हम डोरी रेडी कर लेंगे और डोरी रेडी कर स्टिच करने के बाद इसे हम पलट देंगे। तो डोरी थोड़ा लंबा होना चाहिए क्योंकि हम लोग पीछे डोरी ब्लाउज बन रहा है, तो इसे करके हम पलट लेंगे। आप सुई धागा के सहायता से भी पलट सकते हैं, नहीं तो एक स्टिक के सहायता से पलट सकते हैं, पर मुझे सुई और धागे के साथ ही कंफर्ट लगता है, इसलिए मैं सुई के सहायता से ही पलटती हूँ। छोटे छोटे कपड़े को ऐसे डोरी का घर बना देंगे और बराबर में लगा देंगे। दोनों साइड में सेम करना है इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ये ज़रूरी है कि हम उसे डोरी को कैसे डालना है, क्योंकि बहुत सभी को नहीं आता। तो डोरी हम पहले नीचे की ओर से डालेंगे और एक एक घर छोड़ छोड़ के डालते जाएंगे। देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ, इसी तरह आप डालेंगे तो अच्छे से डाल पाएंगे, नहीं तो आपका क्रॉस क्रॉस नहीं बन पाएगा। तो एक घर छोड़ छोड़ के डालिएगा, फिर रिपीट ऊपर से अगेन सीधे आके फिर एक एक घर छोड़ के नीचे आ जाएगा। हमारा नीचे बांधने वाला बना है, उसी के लिए हम लोग नीचे से शुरू किए हैं। आपको ऊपर बांधने वाला चाहिए रहेगा तो आप ऊपर की ओर से शुरू करिएगा। और हम इसको अच्छे दिखने के लिए इसके नीचे हम लोग बहुत सुंदर डोरी बना सकते हैं। इसकी लंबाई थोड़ा नीचे ज़्यादा रखिएगा कि खूबसूरत दिखे। देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर बैक में डिज़ाइन बन के आ गया है। यही हम पहनने के बाद और भी खूबसूरत दिखेगा। अब इसको हम बराबर में रख के फिटिंग मार देंगे, फिटिंग मार के हैंड को अटैच कर देंगे तो हमारा ब्लाउज कम्प्लीट हो जाएगा। फ्रेंड, फिटिंग मारना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम ब्लाउज की सहायता से कैसे फिटिंग मारते हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। हमारा फिटिंग ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमारा फिटिंग सही रहेगा तो ब्लाउज बहुत खूबसूरत ही बैठेगा। आपको मेरा चैनल पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कॉमेंट करना ना भूलें। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल माया क्रिएटिव्स।